सो यू यो गाइस बैक इट अगेन एंड बैक टू द न्यू वीडियोस बेबी। क्या हिंदी मीडियम वाले हो? तो भैया हिंदी मीडियम वाले हो तो ये लो। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भैया आज का सीन ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं 3-4 दिनों के बाद स्कूल में। तो भैया आज मजे आने वाले हैं स्कूल में। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना और अपने अपने कान में एयरफोन डाल लो। भैया क्यों नहीं डालोगे? ठीक है मत डालो भैया, का ही बोले, कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं भैया। तो चलो चलते हैं। अरे रुको रुको, कहाँ चले भैया? लाइक तो किया नहीं आपने और कमेंट तो किया ही नहीं। और भैया नए हो तो एकदम हथौड़ा फेंक के सब्सक्राइब कर देना, बस बस इतना ही चाहिए हमको। तो चलिए इंजॉय करिए अपने इस ब्लॉग को। तो चलिए चलते हैं मेरी जान। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुनेया। मैं तेरे होंठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूं। सो हे गाइस, अभी जस्ट मैं स्कूल से आ गया। तो भैया स्कूल में हो गया मेरा मूड खराब, तो भैया ब्लॉग नहीं बना स्कूल का। तो चलिए आज विलेज का टूर ही दे देते हैं। भैया आज ब्लॉग में बिल्कुल भी कंटेंट नहीं रहेगा, और हंसना चाहते हो तो भाई आज तो नहीं हो पाएगा आप हमसे भैया। तो चलिए विलेज का टूर दे देते हैं और आज का नॉर्मल वाला ब्लॉग होगा, जैसे सौरभ जोशी भैया बनाते हैं वैसा ही। तो चलिए भैया चलते हैं और दिखाते हैं अपना गाँव का थोड़ा नज़ारा। चलो हाय। तो भैया चलिए अपनी धनों को ले चुके हैं, तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं अपना गांव। तो चलो भाई चलते हैं। तो भैया करते हैं शुरुआत अपने गांव के चौक से। तो भैया ये है बस स्टैंड जहां हम लोग चिल मारते हैं, और ये है अपने गांव का पंचायत जहां पर पंचायती कार्रवाई की जाती है भैया। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। तो चलो भाई, और बोर लग रहा है तो बोर क्यों लगेगा भाई, दिखाते हैं ना मेरी जान। तो भैया फाइनली आ चुके हैं अपने जिम के पास। भैया लिखा तो अलग है नाम, बट यहाँ है जिम, जिम का हो गया है इधर कब्जा। तो ये है अपने गांव का जिम, और ये है छोटा सा मंदिर अपने गांव का ही बोले, और ये देखो बड़ा सा पेड़ और इतने सारे मधुमक्खियां भाई, खतरा लेवल। और यहाँ जहाँ भी धूम्रपान धुआं धुआं होगा तो ये लोग तो भैया भड़क जाएंगे मेरी जान। तो देखते हैं और दूसरे लोकेशन पे जाते हैं, लेकिन भाई ये खतरा सीन है। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे लोकेशन पे मेरी जान। तो भैया चलिए अब दिखाते हैं आपको अपने गांव का तालाब। तो चलो भाई चलते हैं। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरा तालाब मतलब अपने गांव का तालाब नहीं देखा होगा, तो दिखाते हैं भैया। तो चलो तो भैया फाइनली पहुंच चुके हैं तालाब के पास। तो देख सकते हो ये है अपने गांव का तालाब भाई, बड़ा है भाई, और वो पास है शिव मंदिर, देख सकते हो भाई। उधर से दिखाई तो नहीं देगा भैया, क्योंकि अपना मोबाइल तो आईफोन या फिर DSLR नहीं है मेरी जान। तो ये काफी सुंदर है भाई, देख सकते हो साफ सुथरा एकदम फुल पावर। तो अपने गाँव में दो तालाब है, एक खेतों की साइड जो की आपने पहले के ब्लॉग में देख लिया होगा, और एक ये है, ये थोड़ा बड़ा है और वो भी है थोड़ा बहुत। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पे मेरी जान। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो अभी के अभी फटाफट, और कमेंट में कर देना #गांव लाइफ, मेरा मतलब विलेज लाइफ, हाँ मेरी जान। तो चलिए चलते हैं। तो भैया चलिए रोड पे चलते हैं, और ये देखो अपने सामने आ चुका है बड़ा सा चढ़ाव, जिसको पार करना मुश्किल ही नहीं बहुत इजी है। तो चलिए अब चढ़ाते हैं इसको। भाई 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 भैया फाइनली पहुंच चुके हैं रोड पे। सो मेरे पीछे देख सकते हो ये है खेत बाड़ी, मतलब खेती वेती जो भी ये करते हैं, अभी तो कट गया भैया सभी का धान। और वहां है अपना तालाब जो कि दिख रहा होगा यहाँ से। तो
चलिए अब चलते हैं स्कूल के साइड, वहां दिखाते हैं थोड़ा मेरी जान। और उधर थोड़ा क्रिकेट विकेट भी खेल रहे हैं, तो देखते हैं भैया क्या सीन रहता है। तो चलो चलते हैं। सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है कि। तो भैया फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ स्कूल के पास, और इधर खेल रहे हैं क्रिकेट विकेट एक नंबर फुल पावर। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो, यहाँ तो मैं हर रोज आता हूँ मेरी जान, ये मेरा फेवरेट प्लेस है इस गांव का। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, और कहाँ जाना है मुझे सोचना पड़ेगा मेरा भाई। तो चलिए चलते हैं। तो भैया फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के क्रिकेट ग्राउंड पे। तो भैया यहां होता है सैटरडे संडे एकदम फुल पावर मैच। तो का ही बोले बबुआ, ये है अपने गांव का ग्राउंड, देख सकते हो वहां से भाई साहब, देख सकते हो। तो भैया अभी मैं जा रहा हूँ शिव मंदिर के पास, तो भैया भोलेनाथ का दर्शन भी हो जाएगा, और आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी सोल्यूशन कर दे भगवान। ये भगवान देख ले पूरा बालक माई मीन थारो भक्त, इधर थारो से कहा बोलते हैं उसके बाद नहीं आता, प्रार्थना कर रहा है, तो थोड़ा मोनेटाइज भी हो जाएगा, देखते हैं भैया। तो चलिए चलते हैं, और अभी नया बन रहा है शिव मंदिर, तो देखते हैं भैया का सीन होता है। तो भैया फाइनली पहुंच चुके हैं शिव जी के दर्शन करने भैया, और ये देखो भाई मंदिर भी बन रहा है। तो चलिए पास से नजारा दिखाते हैं, उससे पहले धोते हैं अपना पैर। तो चलो चलते हैं इधर। तो चलो भाई, तो भैया ये है पुराना शिव मंदिर, और ये है नया वाला जो कि अभी बनने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर आई थिंक सो ये कंप्लीट होके रेडी हो जाएगा, और मस्त भाई का ही बोले। तो भाई यहाँ थोड़ी देर रहते हैं, फिर थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करते हैं भैया, थोड़ा तो भगवान जी का दर्शन आशीर्वाद ले लेते हैं मेरी जान। तो हाँ तो भैया बहुत शाम हो चुकी है भैया, पता नहीं चल रहा होगा आपको वीडियो में, तो भैया लगभग 5 के पार हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहता हूं। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, और सॉरी फॉर द थोड़ा सा ब्लॉग के लिए, तो आज थोड़ा मूड भी ख़राब हो गया, तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो इसके लिए एकदम दिल से माफ़ी चाहता हूँ मेरा भाई। तो माफ़ कर देना प्लीज़ यार, इतना तो बनता है मेरी जान, डेली का डेली थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो समझ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, सो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक लेटिल देन टेक केयर एंड जय भोलेनाथ।